असलम बच्चों आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर का विच इज़ फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन दी एकोसटम ठीक है उससे पहले मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट देती जाऊँ फूड चेन के बारे में ताकि आप लोग को जो है वो समझने में आसानी हो जाए आप लोगों अगर याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये डायग्राम शो की थी इसके अंदर आप जब प्रोड्यूसर देख सकते हैं बाकी आप आगे कंज्यूमर्स देख सकते हैं और डीकम्पोजर्स देख सकते हैं तो ये एक चेन है ठीक है जहाँ पर आपके पास जो प्रोड्यूसर है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर दी कंज्यूमर्स ठीक है तो ये एक चेन जिसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो या फूड का ट्रांसफ़र हो उसको हम कहते हैं फूड चेन ठीक है तो इसके अंदर क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली जो है वो सन से एनर्जी लेके अपना खाना जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म के अंदर स्टोर कर रहा है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं और हर्बी जो है या फिर तो जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर से अपना फूड हासिल कर रहे हैं ठीक है फिर जो कार्नीवर्स हैं वो आपके हर्मीवर्स से फ़ूड हासिल कर रहे हैं सेकेंडरी कार्नीवर्स प्राइमरी कारनीवल से, से हासिल करेंगे और जो टर्सरी कार्नीवर्स हैं वो सेकेंडरी कार्नीवल से फूड हासिल करेंगे तो ये एक जो के पास फूड चेन है एक चेन की फॉर्म के अंदर आपके पास फ़ूड की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फूड के साथ साथ ऑब्वियसली एनर्जी की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो बस यही हमने जो है वो आज पढ़ना है डिटेल के अंदर इन एन एकोसिस्टम एनर्जी एज वेल एज मटीरियल ट्रेवल फ्रॉम ट्रॉफिकल क्या है फूड है ठीक है फूड आप है और फूड से हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं और हम जो है वो उस फूड को खाते हैं ताकि हमारे पास एनर्जी आ, आ, आ सके ठीक है अब ट्रॉफिक ट्रॉफिक लेवल लेवल क्या लेवल है बेसिकली कोई भी लेवल एट विच फीड्स इन अ फूड चेन ठीक है जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है अगर आप समझें तो ये प्रोड्यूसर जो है वो फ़र्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा जो कि खाना प्रोड्यूस कर रहा है फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आपके पास कंज्यूमर्स होंगे ठीक है जिसके अंदर हैनी वगैरह आ जाते हैं इसी तरह जो है वो डिफरेंट आप इन कह लो कि बेसिकली लेवल्स जो होते हैं फूड चेन के उसको आप ट्रॉफिक लेवल भी कहते हो या फूड लेवल भी कहते हो द फर्स्ट ट्राफिक लेवल इज मेड अपड्यूसर्स एंड द सेकंड ट्राफिकाइमरी कंज्यूमर्स जो थर्ड ट्राफिक लेवल होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का होगा फोर्थ जो होगा वो टर्शरी कंज्यूमर्स का होगा इसी तरह आपके पास पूरी एक चेंज जो है वो चलती जाती है जहाँ से ऑर्गेनिज अपना खाना हासिल करते जाते हैं उसके खाने के साथ साथ ऑबियसली एनर्जी भी आती जाती है अगर आप इसको देखें इस डायग्राम को ये आपको फ्लो ऑफ एनर्जी की डायग्राम है इसको आपने जो है वो ड्रॉ कर लेना है याद करना है क्योंकि आपको ये पेपर में आ सकती है सोलर एनर्जी आपको जो मिलती है सन से ठीक है वो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और उससे क्या बना देते हैं फूड ठीक है फूड के अंदर बेसिकली एनर्जी जो सोलर एनर्जी है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर हो गई है केमिकल एनर्जी ठीक है फोटोसेंसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से हमारे पास ग्लूकोज बनता है तो अब जो सन से हमारे पास सोलर एनर्जी आ रही थी वो ग्लूकोज के फॉर्म के अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास जो है वो स्टोर हो गई है ठीक है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये कौन काम कर सकता है सिर्फ प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स ठीक है अब ये जो हमारे पास एनर्जी है ये हमारे पास कुछ एनर्जी जो है वो प्लांट्स की बॉडी एक्टिविटीज के लिए यूज हो जाएगी यानी कि उसकी रेस्पिरेशन के लिए उसकी डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन सब चीज़ों के लिए जो है वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो यूज होती रहेगी और थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट यानी कि जब प्लांट्स जो है वो ट्रांसपायर करते हैं तो वाटर के साथ साथ क्या होता है हीट भी रिलीज होती है ठीक है यानी कि ट्रांसपायरेशन आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है इसके ऊपर टॉपिक पढ़ा हुआ क्लास नाइन्थ के अंदर तो आपको याद होगा कि ट्रांसपरेशन बेसिकली क्या होती है कि पानी की सर, प्लांट की जो लीफ होता है उसकी सरफेस के ऊपर से वाटर जो है वो रिमूव होता है थ्रू स्टोमेटा और उस वाटर के साथ साथ हमारे पास जो है वो हीट भी रिलीज होती जाती है ठीक है तो ये जो हमारे पास अभी आ, क्या कहते हैं एनर्जी स्टोर थी केमिकल एनर्जी के फॉर्म के अंदर वो हमारे पास बॉडी एक्टिविटीज के लिए भी यूज हो गई वो वैसे जो है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू हीट भी इसमें जब रिलीज होगी और जो बाकी एनर्जी है वो बाकी एनर्जी पर आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी इनटू टू हेबीवर्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इन प्लांट्स को खाएंगे ठीक है अब जो हैबीवर्स एन... है जैसे रैबिट है वो कहाँ से अपना एनर्जी हासिल करेगा खाना खा के एनर्जी हासिल करेगा ना तो वो इन प्लांट्स को जब वो खाएगा तो प्लांट्स में से जो केमिकल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इन टू ठीक है उस ऑर्गेनिज़म के अंदर चली जाएगी और इस प्रोसेस के दौरान जो है वो कुछ हीट जो है वो कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म के अंदर भी रिलीज़ हो जाएगी ठीक है अब जो ऑर्गेनिज्म है मुझे पहला एनिमल है हमारे पास झेर भी वोर है वो हमारे पास जब अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए वो एनर्जी यूज़ करेगा ठीक है साथ में हीट के फॉर्म है स्वेटिंग की फॉर्म के अंदर जो है वो उसकी भी बॉडी में से हीट रिलीज़ होगी ठीक है उसके डिफरेंट रेस्परेशन है उसकी डिफरेंट जो है वो बॉडी प्रोसेस है मेटाबॉलिक प्रोसेस डाइजेशन वगैरह सब में जो है वो आपके पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो यूज़ होती रहती है उसकी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होगी जब वो भाग रहा होगा तो उसके अंदर भी जो है उसको एनर्जी उसकी रिलीज़ होगी फिर अब जो केमिकल एनर्जी ऑर्गेनिक फूड की फॉर्म के अंदर हेबी वर्स में स्टोर्ड है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इनटू टू यानी कि वो ऑर्गेनिज्म वो जानवर जो कि हेरबी को खाएगा उसके अंदर जो है वो सारी एनर्जी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसके दौरान भी थोड़ी सी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म के अंदर रिलीज हो जाएगी अब ये वाला जो एनिमल है सपोज कर लें ये आपके पास कोई वो है फॉक्स है फॉक्स जो है वो जब उसने रैबिट को खाया तो उसने जो है वो क्या किया रैबिट की बॉडी में जितनी एनर्जी थी वो सारी जो है वो अब फॉक्स की बॉडी में आ गई है ठीक है अब फॉक्स की बॉडी के अंदर भी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी तो वो एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती जाएगी हीट के फॉर्म में भी रिलीज होगी स्वेटिंग वगैरह होती है उसके फॉर्म में रिलीज़ होगी वैसे और बॉडी एक्टिविटीज़ हैं उसमें रिलीज़ हो जाएगी अंड लास्ट हमारे पास जब इस फॉक्स की या जो भी कार्णी है आपके पास उसकी डेथ हो जाएगी तो हमारे पास जो डिकम्पोजर्स हैं यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह वो उसकी बॉडी को जब डिकम्पोज करेंगे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेंगे उसके ऊपर ताकि उसकी जो आ, मसल है जो भी उसकी बॉडी के पार्ट्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाएं और फिर उन डाइजेस्टेड पार्ट्स को वो बैक्टीरिया और फंजा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो क्या करेंगे लास्ट जो होता है ना एनर्जी वहाँ पर कंपोजर्स की बॉडी के अंदर चली जाती है अब बैक्टीरिया फनजाई की भी बॉडी एक्टिविटीज़ होती है उनकी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसके अंदर भी जो है वो हीट एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है और वैसे भी जो है रिलीज़ हो जाती है ठीक है तो ये एक पूरा एनर्जी का फ्लो है कि चला कहाँ से सन से चला सोलर एनर्जी से ठीक है सन की एनर्जी जो किसने यूज़ की प्लांट्स ने या प्रोड्यूसर्स ने प्रोटोसेंसिस करके उन्होंने ग्लूकोज बनाया फूड बनाया उसके अंदर सारी वो एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी के फॉर्म के अंदर स्टोर कर ली थोड़ी तो सी एनर्जी उन्होंने अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की कुछ एनर्जी जो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होगी बाकी एनर्जी जो ट्रांसफर होगी इन टू जब उन्होंने वो प्लांट्स को खाया अब हेबीवर्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो ऑर्गेनिक फूड के फॉर्म के अंदर स्टोर होगी ठीक है बॉडी के अंदर अब उनकी बॉडी में से जो एक्टिविटीज थी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थे उनके फॉर्म में भी जो है वो एनर्जी यूज़ हुई हीट भी रिलीज हुई इसी तरह में जो कार्नीवर्स ने खाया हर्बीवर्स को तो जो हर्बीवर्ल की एनर्जी थी वो सारी कॉर्नीवर्स के अंदर यूटिलाइज होगी और कार्नीवर्स ने भी फिर जो है वो बाकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर वो एनर्जी जो है यूज़ की और एट दी एंड जब कार्निवर्स की भी डेथ होगी तो सारी एनर्जी जो है वो किसके पास आ गई डिकम्पोजर्स के पास अब हमारे पास जो है वो हाइस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ऑब्वियसली सन के पास है ना सोलर एनर्जी वहाँ से कुछ एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास आती है सपोज़ करें सन के पास हंड्रेड परसेंट एनर्जी है तो नाइन्टी परसेंट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स के पास आती है फिर एट्टी परसेंट हर्बीवर्स सेवेंटी परसेंट कॉर्नीवर्स और सिक्सटी या फिफ्टी परसेंट जो है वो डिकम्पोज यानी कि एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आहस्ता आहिस्ता कम होती रहती है क्योंकि आप देख रहे हैं कि आइस यहाँ पर एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म के अंदर रिलीज भी हो रही है तो यहाँ पर हंड्रेड एनर्जी अगर ट्रांसफ़र नहीं होती थोड़ी थोड़ी कम होती है क्योंकि वो उस ऑर्गेनिज्म ने पहले ही अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए भी वो एनर्जी यूज़ की बॉडी में से वो हीट की फॉर्म में भी जो है इनर्जी रिलीज हुई और वैसे भी जब वो आ, आगे ट्रांसफ़र कर रहा था अपनी एनर्जी तो वो भी हीट की फॉर्म के अंदर इसकी एनर्जी रिलीज हुई तो ये एक उन्होंने चार्ट आपको बता दिया ये नंबर्स आपने याद नहीं करना वो तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिए थे लेकिन वैसे ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए आप तो ये चार्ट जो है उसको अच्छी तरह याद कर लेना है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर आप दो एरोज देख रहे हैं कि जब प्लांट्स हैं जब उनकी डेथ हो जाती है ठीक है हेरबी वर्स के खाने से पहले ही अगर प्लांट्स की डेथ हो जाए तो वो उनकी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली जो है वो डिकम्पोजर्स के पास चली जाती है ठीक है यानी कि ऑब्वियसली जो डेड प्लांट होते हैं उनको भी कौन डिकम्पोज करते हैं उनको कौन जो है वो रिड्यूस करता है वो फन जाए और बैक्टीरिया होते थी, हैं ठीक है इसी तरह अगर हेरबी वोस हैं उन्होंने प्लान्स से तो एनर्जी ले ली लेकिन उसके बाद

का मतलब होता है वन means one, वन वन डायरेक्शन डायरेक्शन ठीक है एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी जो एरोज हैं वो सारे क्या हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर है कोई भी एरो जो उल्टी तरफ नहीं आ रहा ऐसा नहीं है कि आप जो है वो जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो सन को ट्रांसफर करें ऐसा नहीं होता ठीक है तो सन से एनर्जी आती है और वो आगे एक चेन के फॉर्म के अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करती है द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल दी इकोसिस्टम्स ठीक है सन होगा तो आपके पास एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी द प्रोड्यूसर्स जो के प्लांट्स होते हैं दे गेट सोलर एनर्जी एंड द ट्रांसफॉर्मेट इंटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिस ठीक है एंड द स्टोर दिस एनर्जी इन द टिश्यूज एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेट इंटू मकैनिकल एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ठीक है अब वो इस एनर्जी को जब ग्लूकोज बनाते दे तो ग्लूकोज उनकी बेसिकली टिश्यूज के अंदर स्टोर हुआ हुआ था ठीक है अब जो भी प्लांट की एक्टिविटीज़ होंगी मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे कोई भी उसकी मकैनिकल एक्टिविटी होगी उसके अंदर जो है वो वो ये एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की जाएगी ठीक है मैकेनिकल एक्टिविटीज़ आपके पास ट्रांसपीरेशन वगैरह होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपके पास एंजाइम्स जो वो है वो करती है कभी फूड बनाने का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है वो ठीक है अच्छा जी दिनर्जी के अंदर प्रोड्यूसर्स टिश्यूज जब प्लांट्स के टिश्यूज़ हैं उसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो हमारे पास फ्लो करती है टू दी हर्बी वर्स वन द प्रोड्यूसर्स आर ईटन यानी कि जब हर्बी वर्स हैं वो प्लांट्स को खाएंगे तो जब प्लांट्स के टिश्यू के अंदर जो एनर्जी है वो हर्बी वर्स के पास चली जाएगी ठीक है एंड देन हर्बी वर्स इट इन टू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ठीक है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अपनी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ अपनी जो है वक्सक्रीटरी एक्टिविटीज़ अपनी रेस्परेटरी एक्टिविटीज़ इन सब के दौरान जो है वो उस खाने को या उस एनर्जी को जो है वो मैकेिकल के अंदर या हीट एनर्जी के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और जो बाकी आपके पास एनर्जी स्टोर हो जाती है जो बच जाती है इन सारे कामों करने के बाद अच्छी तरह जितने भी काम जो है वो आपकी बॉडी ने करने तो उन सबके अंदर वो एनर्जी यूज़ होगी अब जो बाकी बच गई एनर्जी वो फिर आपके जो है बी वर्स होते हैं उनके टिशू के अंदर स्टोर हो जाती है ठीक है फिर जब कार्यस को खाते हैं तो वो उन हरब्यूर्स से एनर्जी हासिल करते हैं ठीक है एंड दे आल्सो यूज़ इट फॉर फर्दर बॉडी एक्टिविटीज और जो बाकी की एनर्जी है वो भी अपने टिश्यूज के अंदर स्टोर कर लेते हैं आपके हर्ब्यूर्ड और कार्निवोर्स दोनों क्या हैं एनिमल्स ही हैं एंड आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दिनर्जी स्टोर इन दिश्यू इज यूज बाई दोड्यूसर्स प्लांट्स पहले मर गए या एंड पे कंज्यूमर्स अगर मर गए यानी कि जो आपके पास हर्बी बोर्ड है या कार्डिड जब उनकी डेथ हो जाएगी तो आपके पास जो उनकी टिश्यूज के अंदर एनर्जी स्टोर थी वो किसके पास चली जाएगी डिकम्पोजर्स के पास यानी कि प्लाट सॉरी पंजा और बैक्टेरिया के पास The storage and expenditure of energy in an ecosystem is in accordance with the basic law of thermodynamics. That is, energy can neither be created nor destroyed, but can be transformed from one form into another. ये एक बहुत मशहूर ज़माना जो है वो law है ठीक है physics का thermodynamics का बहुत जो है वो ये मशहूर law है कि energy जो होती है वो आप create भी नहीं कर सकते हैं और वो destroy भी नहीं हो सकती लेकिन एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो यानी कि अल्लाह ताला ने जो आपके पास इस यूनिवर्स के अंदर एनर्जी रख दी है इन द फॉर्म ऑफ सन वो एनर्जी बस एक दफ़ा प्रेजेंट है इस यूनिवर्स के अंदर वो एनर्जी उतनी ही है जितनी बिलियंस ऑफ़ इयर्स अगो पहले थी ठीक है तो वो एनर्जी जो एक आ, फॉर्म से यानी कि एक कैलोश क्या कहते हैं फॉर्म को शेप से या किसी भी एक आ, ऑर्गेनिज्म uh, से दूसरी ऑर्गेनिजम में वो ट्रांसफर हो सकती है एक तरह से दूसरी तरह जो है वो चेंज हो सकती है लेकिन वो क्रिएट नहीं हो सकती आप एनर्जी बना नहीं सकते ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप इधर देखें अगर तो यहाँ पर क्या है कि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स से आगे कंज्यूमर्स तक जो है वो डिकम्पोजर्स तक ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ पर वो सन के पास वो सोलर एनर्जी में थी ठीक है प्रोड्यूसर्स के पास वो केमिकल एनर्जी में है हर्बी वर्व्स के पास भी वो केमिकल एनर्जी में है कार्नि वर्व्स के पास भी डिकम्पोजर्स के पास यानी कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है वो कहीं से प्रोड्यूस नहीं हो रही और ना ही वो कहीं से डिस्ट्रॉय हो रही है ठीक है अच्छा जी स्टोरेज यानी कि किसी चीज़ को स्टोर करना एंड देन एक्सपेंडिचर यानी कि एनर्जी को खर्च करना ठीक है इन एन इको सिस्टम देयर इज कॉन्स्टेंट फ्लो और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्राम द सन थ्रू प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंडम्पोजर्स यानी कि कॉन्स्टेंटली सारा वक्त आपके पास ये एक चेंज जो है वो चलती रहती है जहाँ से सन जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो प्लाट्स को देता है प्लांट्स क्या है प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स आगे जो है वह उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं टू तो केमिकल एनर्जी और वो केमिकल एनर्जी आगे कंज्यूमर्स तक यानी हर्बीवर्स कार्निवर्स ओमनीवर्स तक और डिकम्पोजर्स तक एंड तक ये जो है वो फ्लो करती रहती है एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल आप तो मैंने यही बात अभी एक्सप्लेन भी की है यहाँ पे कि अगर सोलर एनर्जी आपको हंड्रेड परसेंट एनर्जी दे रही है सन आपको जब हंड्रेड परसेंट सोलर एनर्जी दे रहा है तो वो हंड्रेड परसेंट सोलर एनर्जी जो है प्रोड्यूसर्स के पास थी चली जाती है उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो वैसी ही इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर सपोज करें नाइनटी परसेंट आपके पास एनर्जी आएगी यानी कि हर लेवल हर ट्राफिक लेवल हर फूड लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर्स हर व्यूवर्स कारनीवर्स डीकम्पोजर्स इन सब लेवल्स के ऊपर जो है वो आपके पास एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती रहती है सन के पास हंड्रेड परसेंट आए प्रोड्यूसर्स के पास नाइन्टी परसेंट आएगी हर व्यूवर्स के पास एटी परसेंट आएगी कार्डिवर्स बस बस सेवेंटी आएगी और डिकम्पोज के बाद हो सकता है सिक्सटी परसेंट आए या फिफ्टी परसेंट या फोर्टी परसेंट यानी कि हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो है वो आपके पास हर पॉइंट के ऊपर आपके पास एनर्जी क्या है वो रिड्यूस हो रही है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू ठीक है ये देखें ये आपके पास जो है वो एक बेसिक फूड चेंज जो है वो दिखा रहे हैं अच्छा ये आपके पास फ्लो ऑफ एनर्जी था एनर्जी उन्होंने शो की दी है कि आपके पास एनर्जी जो है वो सन से आगे कैसे जो है वो ट्रांसफर होती है और किस फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होती है सन में वो सोलर एनर्जी के अंदर है और प्रोड्यूसर्स के अंदर वो किस में है केमिकल एनर्जी इन और बाकी सब में जो है वो केमिकल एनर्जी इन ऑर्गेनिक फूड ठीक है अब हम बात करें अगर फ्लो ऑफ मटीरियल के अंदर यानी कि फूड ठीक है ग्रास है ग्रास को कौन खाएगा ग्रास ऑपर ठीक है ग्रास ऑपर को कौन खाएगा स्पैरो और स्पैरो को कौन खाएगा हॉक इसको अब चील भी कहते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोड्यूसर कौन है ग्रास है प्राइमरी कंज्यूमर कौन है ग्रास हॉपर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है स्पैरो और टर्शरी कंज्यूमर कौन है हॉक ठीक है यानी कि जो आपके पास ईगल या जिसको चील वगैरह कहते हैं ये वो है अब इसके अंदर मुझे अगर आप बताएं तो चलो ग्रास तो प्रोड्यूसर हो गए ये प्राइमरी कंज्यूमर ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हमारे पास बेसिकली क्या है हरबी है और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो हमारे पास क्या है प्राइमरी कार्निवोर ठीक है प्राइमरी कार्निवोर पहला कार्निवोर है जिसने अभी हरबी को खाया है और जो टर्शरी कंज्यूमर है आखिरी कंज्यूमर है वो हमारे पास क्या है सेकेंडरी कार्निवोर यानी कि वो जो है वो प्राइमरी कार्निवोर को खा रहे हैं हो सकता है कि इस हॉक को या इस ईगल को जो है वो कोई और भी खा ले तो वो हमारे पास फिर आगे टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा या उसको हम टर्शरी कार्निवोर कहेंगे ठीक है तो ये आपके पास एक बेसिक फूड चेन है

ठीक है तो एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल के अंदर जो है वो ट्रांसफर होती है आपका फूड बाय द मींस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब ये एक चेन है ठीक है ये फूड चेन है जहाँ पर फूड जो है वो प्रोड्यूसर से आगे कंज्यूमर्स की तरफ ट्रांसफर हो रहा है अब फूड चेन अब ये डेफिनेशन है इसको आप लोगों ने याद कर लेना है अ फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन एन इको सिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द वन बिफोर इट एंड इज फेड बाई द वन आफ्टर इट इसको ज़रा समझाएँ यानी कि एक सीरीज है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं प्लाट्स हैं एनिमल्स हैं एक इको एक सिस्टम के अंदर इन विच ईच ऑर्गेनिज्म हर जो ऑर्गेनिज्म है वो फीड करता है ऑन द वन बिफोर इट यानि के ग्रास ऑपर किसको खा रहा है ग्रास को तो ये ग्रास जो है वो इट इज़ बिफोर द ग्रास हॉपर एंड द ग्रास हॉपर इज बींग ईटन बाय स्पैरो यानी कि अब स्पैरो जो ग्रास हॉपर को खा रही है इसको समझ लें कि इट फीड्स ऑन द वन बिफोर इट यानी कि ग्रास हॉपर जो है वो बिफोर इट कौन सा होगा ग्रास होगी एंड इज फेड बाय द वन आफ्टर इट यानी कि स्पैरो से ठीक है द बेस ऑफ द फूड चेन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ प्लांट यानी कि जो प्राइमरी जो सोर्स है वो हमारे पास जो प्रोड्यूसर है वो क्या होता है हमेशा एक प्लांट होता है इट इज ईटन बाय अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हिच इज स्प्रेड अपॉन यानी कि शिकार किया जाता है बाय अ सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे केस में सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है स्पैरो द सेकेंडरी कंज्यूमर मे बी ईटन बाय अ टर्शियरी कंज्यूमर हो सकता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टर्शियरी कंज्यूमर खा ले या ये वैसे ही रहे ठीक है

यूजली देर आर फोर और फाइव ट्राफिक लेवल्स shorter food प्रोवाइड greater availability of energy and vice versa अच्छा अब यूजली यहाँ पर देखें वन टू थ्री फोर लेवल्स हैं इस फूड चेन के अंदर हो सकते हैं फाइव भी होंगे इसी फूड चेन के अंदर जितनी कम जितनी छोटी फूड चेन होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी क्यों कैसे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ जो है वो यहाँ तक होती सिर्फ तीन ऑर्गेनिज़म्स तक फूड चेन होती है या हॉक को अगर कैंसिल कर दें तो यहाँ पर अगर ग्रास के पास हंड्रेड परसेंट एनर्जी है तो वो नाइन्टी परसेंट ग्रास अपर को दे देगा और ग्रास अपर एटी परसेंट स्पैरो को दे देगी यानी कि हमारे पास फूड चेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन अगर हम हॉक को भी इंक्लूड कर दें तो वो मजीद एनर्जी रिड्यूस होकर फिर सेवेंटी परसेंट जो है वो हॉक के पास चली जाएगी तो जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी जितनी बड़ी फूड चेन होगी अगर इस हॉक के आगे भी दस बारह आप और लगा दें ऑर्गेनिज्म तो वो एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी उस फूड चेन के अंदर ठीक है अच्छा जी इन नेचर फूड चेन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एज वन ऑर्गेनिज्म मे बी द फूड सोर्स ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रास ऑपर को सिर्फ पैरों तो नहीं ना खा सकती हो सकता है ग्रास ऑपर को कोई और भी जानवर खाए कोई डैबेट खा ले या कोई फ्रॉग खा ले कोई भी खा सकता है ग्रास ऑपर को ठीक है तो ये आपके पास इतना तो सिंपल एक लाइन के अंदर नहीं होती ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है अच्छा जी सो इंस्टेड ऑफ अ सिंपल लीनियर फूड चेन लीनियर क्या होती है स्ट्रेट लाइन के अंदर जब भी हमने देखी है ना वो सिंपल लीनियर फूड चेन है देर इज अ वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्न बाई दीज इंटरलिंक्ड फूड चेन ठीक है अब वो कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि ग्रास को खाली ग्रास ऑपर नहीं खाता ग्रास को तो हॉर्स भी खाता है ग्रास को तो और भी रैबिट भी खाता है ठीक है ग्रास ग्रासापर को भी और दो तीन ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर स्पैरो ठीक है खाली स्पैरो तो नहीं ना क्रासापर को खा सकती है और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं तो हम एक फूड चेन को जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं उसको एक बड़ा इसका एक जाल बना देते हैं और उस जाल को हम कहते हैं फूड वेब अब उस फूड वेब के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक दूसरे को खा रहे होते हैं ठीक है अभी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सच इंटर कनेक्टेड फूड चेंज यानी ढेर सारी फूड चें अगर आपस में हम इंटर कनेक्ट कर आपस में कनेक्ट कर दें जोड़ दें दे कलेक्टिवली दे हमारे पास एक फूड वेब बना देते हैं अभी फूड वेब की डेफिनेशन आने लगे ये भी आप लोगों ने याद कर लेनी है, है एक जाल है जो कि आपस में जो है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपस में एक दूसरे से एक दूसरे से कनेक्ट है ये देखें अब हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी कि ग्रास है ग्रास को ग्रास ऑपर खा रहे हैं ग्रास ऑपर को लिजर्ड खा रहा है और लिजर्ड को हॉक खा रही है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रास जो है वो ग्रास ऊपर ग्रास को खाए और ग्रास ऊपर डायरेक्टली जो है वो हॉक उस ग्रास ऊपर को खा ले ठीक है ये दो फूड चेन हो गई फूड चेन नंबर वन फूड चेन नंबर टू ठीक है मेरे साथ साथ रहिएगा फिर आपके पास ग्रास है ग्रास को तो रेबिट भी खा सकता है और रेबिट को हॉक भी खा सकता है तो फूड चेन नंबर थ्री फिर ग्रास तो माउस भी खाता है और माउस जो है वो हॉक जो है वो माउस को भी खा सकता है ठीक है तो ये फूड चेन नंबर क्या होगी फोर इसी तरह ग्रास अगर अगर माउस जो है वो ग्रास को खा रहा है तो स्नेक जो है वो भी माउस को खा सकता है और हॉक जो है वो स्नेक को खा सकता है तो ये हमारे पास फूड चेन नंबर फाइव तो वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव फूड चेन आपस में एक दूसरे से जो है वो इंटरकनेक्टेड है ठीक है आपस में दूसरे से मिली हुई हैं एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ठीक है डिफरेंट फूड लेवल्स के ऊपर यानी कि ये हमारे पास अगर एक चेन है तो उसके अंदर एक लीनियर चेन चल रही है लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो हॉक है वो डायरेक्टली ग्रास ऑपर से भी लिंक्ड है तो ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक डिफरेंट टाइप के तौर पर लिंक हुआ है है ठीक इसके अंदर नहीं है मौजूद तो यहाँ के पांच डिफरेंट फूड चेन है ये आपस में एक खट्टी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हुई है तो ये हमारे पास क्या बना रही है एक फूड वेब ठीक है तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हो, फूड चेन और फूड वेब अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे जो पूछ सकते हैं इसके अलावा कल हम फिर जो है वो ये पिरामिड्स पढ़ लेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स और फिर हम बायो केमिकल करेंगे। ठीक केमिकल जी अच्छा इसके अंदर अगर आप एक होमवर्क अगर आप लोगों को मैं दूं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप ये तो चलो प्रोड्यूसर हो गया ग्रास इज प्रोड्यूसर और आपके पास ग्रास ऑफर क्या होगा ग्रास ऑपर को क्या कहेंगे लिजर्ट को क्या कहेंगे इनके लेवल्स जो है वो जैसे ये आपके पास मेंशन है ना प्रोड्यूसर ग्रास है प्राइमरी कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर ये आपने लेबल करके जो है ना मुझे आपने सेंड करना ही मैं आपको होमवर्क भी जो है वो दे दूँगी ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज़ कोई भी क्वेश्चन होता आप मुझसे जो है वो के अंदर पूछ सकते हैं